ओपन अप बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप यूज करके आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हजारों बिजनेसमैन इस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप भी अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज जानते हैं घनश्याम दास बिड़ला जी की सक्सेस स्टोरी। श्री घनश्याम दास बिड़ला का जन्म 1894 में पिलानी राजस्थान भारत में हुआ था। इनकी संपत्ति 195 अरब रुपए से अधिक है। बिरला ग्रुप का मुख्य व्यवसाय कपड़ा, बिजली, बिस्किट, फिलामेंट यार्न, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं और एल्यूमिनियम है। दो कंपनियां भी हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और सेंचुरी टेक्सटाइल। गांधी जी के मित्र, सलाहकार, प्रशंसक एवं सहयोगी और अपने परिवार के लिए प्रभावशाली सदस्य और स्वाधीनता सेनानी भी रहे थे। 1957 में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी। अपने पिता बी.डी. बिरला की प्रेरणा व सहयोग से घनश्याम दास कलकत्ता से व्यापार जगत में कदम रखा। 1912 में उन्होंने अपने ससुर की मदद से दलाली का व्यवसाय करना शुरू किया। 1918 में बिरला ब्रदर्स की स्थापना की, फिर दिल्ली की एक पुरानी कपड़ा मिल खरीदी और उद्योग जगत में अपना कदम रखा। 1919 में घनश्याम दास बिड़ला ने जूट उद्योग में भी कदम रखा। बिड़ला परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन दिया। यह भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार में गिना जाता है और वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उद्योग आते हैं। घनश्याम दास बिड़ला महात्मा गांधी की गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराते थे, क्योंकि वे एक सच्चे स्वदेशी और स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। पूंजीपतियों से राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने तथा कांग्रेस का साथ देने की अपील करते थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का समर्थन भी किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता भी देते थे। सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया और 1932 में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने। विरासत में मिली पारिवारिक व्यापार और उद्योग का विस्तार कई अलग अलग क्षेत्रों में किया। साहूकारी व्यवसाय को निर्माण के क्षेत्र बनाना चाहते थे, सो कलकत्ता चले गए और एक जूट कंपनी की स्थापना की। उनके व्यापार कुशलता को देख यूरोपियन और ब्रिटिश व्यापारियों को उनसे डर लगने लगा। कई अनैतिक तरीकों से व्यापार बंद कराने का भी भरसक प्रयास किया, लेकिन घनश्याम दास के आगे किसी की भी दाल नहीं गली। बिड़ला का व्यापार खूब बड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1919 में बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड और ग्वालियर में एक छोटे मिल की स्थापना की। 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना कर कार उद्योग में अपना कदम रखा। 1947 में आजादी के उपरांत कई पूर्वत यूरोपियन कंपनीज को खरीद कर चाय और टेक्सटाइल उद्योग में निवेश किया। सीमेंट, रसायन, रेयान, स्टील पाइप जैसे क्षेत्रों में भी कदम जमाए। 1943 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की स्थापना की। यह भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंकों में से एक है, जो अब यूको बैंक के नाम से जाना जाता है। बिड़ला अपनी ईमानदारी के बल पर एक स्वामित्व व्यक्ति थे। 30 साल की छोटी सी उम्र में ही वे अपने औद्योगिक साम्राज्य में अपनी जड़ें जमा चुके थे। प्राइवेट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी की स्थापना की। 1942 में हिंदुस्तान टाइम्स एवं हिंदुस्तान मोटर्स, 1927 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शुरू किया। 1957 में घनश्याम दास बिड़ला का निधन जून 1983 में हो गया था। तो अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।